संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अद्वैत वेदांत का मायावाद समझाता हूँ। ये जो सिद्धांत है वो आचार्य शंकर का है, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत की समस्त वस्तुएं असत्य हैं। आचार्य शंकर ने सच्चिदानंद स्वरूपा ब्रह्म तथा जगत का वर्णन किया है। ब्रह्म को एकमात्र सत्य मानकर जगत आदि को माया मानने वाला आचार्य शंकर का जो मत है वो मायावाद कहलाता है। आचार्य शंकर माया और अविद्या का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं। माया ईश्वर की शक्ति है और इसी शक्ति के बल पर वह विश्व का प्रदर्शन करता है। माया का जो निवास है वो ब्रह्म में ही है, परंतु वह ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं होता। ब्रह्म अनादि है तो माया भी अनादि है। माया के कारण ही वह निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय हो जाता है। अब जो माया है उसको हम न तो सत्य कह सकते हैं न असत्य, इसलिए माया का सत या असत न होना, ये उस माया के विषय में वर्णन है कि माया न तो सत है और न असत, अपितु इन दोनों से विलक्षण होने के कारण उसे हम अनिर्वचनीय कहते हैं। जो पदार्थ सत रूप में या असत रूप में वर्णित न किया जा सके वह क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय कहलाता है। इस संसार के जो पदार्थ है या तो सत होते हैं या फिर असत। सत वह कहलाता है जो सर्वदा एक ही प्रकार से होता है, किसी ज्ञान से उसका कोई विरोध नहीं होता। निर्बाध जो वस्तु होती है वही सत्य होती है। यदि अन्य ज्ञान के द्वारा जो पूर्व ज्ञान है बाधित हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। ऐसी स्थिति में माया के विषय में ये दोनों ही जो प्रकार हैं, जो अभी सत्य और असत्य की व्याख्या की है, वो कैसी है? असंगत है। क्योंकि माया सत्य कैसे हो सकती है, उसे कैसे सत्य माना जा सकता है? ब्रह्म का जब ज्ञान हो जाता है तो माया का ज्ञान बाधित हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी को माया का ज्ञान कभी भी नहीं होता, केवल अज्ञानी ही माया के पचड़े में फंसता फिरता रहता है। यदि माया सत्य होती है तो वह कभी बाधित नहीं होती, उसकी प्रतीति हमें हमेशा ही सर्वदा ही होती रहती, किंतु ऐसा नहीं होने से वह माया सत्य नहीं हो सकती। तो फिर माया को असत्य कहा जाए यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो असत्य पदार्थ है उसकी कभी प्रतीति नहीं होती, किंतु हमें माया की प्रतीति अवश्य ही होती है, अतः उसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार माया से बाध एवं प्रतीति दोनों प्रकार के विरुद्ध धर्मों के रहने के कारण उस माया को अनिर्वचनीय कहा जाता है। यह है माया का सत या असत न होना। दूसरा बिंदु है जो माया है उसका हमको मालूम कैसे चलता है कि वह है, तो वह है माया का कार्यों से पता चलना। उसके विषय में आचार्य शंकर ने कहा है कि जो माया है वो भगवान की अव्यक्त शक्ति है, जिसके आदि का पता नहीं चलता, वह तीनों गुणों से युक्त अविद्या रूपिणी है। उसका पता तो उसके कार्यों से चलता है, वही इस जगत को उत्पन्न करती है। आवरण तथा विक्षेप माया की दो शक्तियां होती हैं, जिसकी सहायता से वस्तुभूत
ब्रह्म के वास्तविक रूप को ढककर उसमें अवस्तु रूप जगत की प्रतीति का उदय होता है। अतः वस्तु के असली रूप को तो छिपा देना आवरण कहलाती है, फिर उसी वस्तु में नवीन वस्तु को उत्पन्न कर देना वो विक्षेप अवस्था कहलाती है। इसी तरह जो माया है वह ब्रह्म के असली रूप को तो ढक लेती है और फिर उसमें पृथ्वी आकाश आदि जो पदार्थ हैं उनका आरोप कर देती है। ब्रह्म तो ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, किंतु माया शक्ति की कृपा से उसी से आकाश, उसी जल, अग्नि, पृथ्वी आदि जो पदार्थ हैं उनके उत्पन्न होने की धारणा हमारे सामने आती है। यह है माया का कार्यों से पता चलना। और तीसरा बिंदु है माया का इंद्रजाल। जिस प्रकार से एक छोटा सा मेघ दर्शकों के नेत्रों को ढक देने के कारण अनेक योजन सूर्य मंडल को ढकता मालूम पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान अनुभवकर्ताओं की जो बुद्धि है उसको ढक देने के कारण आत्मा को आच्छादित सा कर देती है। यही आवरण शक्ति शरीर के भीतर दृष्टा और दृश्य को तथा शरीर के बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को ढक देती है। जैसे रस्सी का अज्ञान रस्सी में अपनी शक्ति से सांप पैदा करता है, वैसे ही माया का अज्ञान आच्छादित आत्मा में अपनी विक्षेप शक्ति के बल पर आकाश आदि जगत प्रपंच को उत्पन्न करती है। आवरण माया की निषेधात्मक एवं विक्षेप भावात्मक शक्ति है। शंकर मत में आवरण माया है तथा विक्षेप अज्ञान है। आचार्य शंकर माया अविद्या अज्ञान अध्यारोप विवर्त भ्रांति अनिर्वचनीय शब्दों का प्रयोग ये पर्याय के रूप में करते हैं। शंकर के मत में माया ईश्वर की शक्ति तो है परंतु ईश्वर का नित्य स्वरूप नहीं है। ईश्वर अपनी इच्छा से जब चाहे इसका त्याग कर सकते हैं। माया ब्रह्म से अभिन्न है और अच्छिद्य है। ये आचार्य शंकर का जो मायावाद का सिद्धांत है वह आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।